हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएसआर एंड वेलकम टू केएमएसआर केमिस्ट्री। देखिए, आप देख रहे हैं नीट 2025 पेपर पैटर्न चेंज अपडेट। ये जो एक मुहिम चल रही है, हाँ आप ठीक देख रहे हैं, ये कह लीजिए कि आपकी जो कमेटी बनी थी, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के अंदर ये बातें रखी गई थी कि एज जो है उस पर लिमिट लगा दी जाए, जैसे 25 साल से ऊपर का बच्चा नीट का एग्जाम ना दे पाए, ठीक है, और आपका पेपर जो है पेपर पे अटेम्प्ट रख दिए जाए कि भाई 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। पेपर के जो मोड हैं ये रख दिए जाए कि पेपर के जो मोड हैं वो 2 रख दिए जाए, पहले मेन हो और उसके बाद जो मेन को क्लियर करेगा वो एडवांस में जाए, इस तरीके के। और भाई आपका जो है पेपर कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह चीजें रखी गई थी। यानी कि ये कमेटी ने ये जो जानकारी थी ये शिक्षा मंत्री को दी थी कि ऐसा ऐसा ये बदलाव पेपर में होना चाहिए, शिक्षा मंत्री को ये जानकारी दे दी गई थी। अब बात है, अब आपकी जो शिक्षा मंत्री की कॉन्फ्रेंस हुई है, उनकी जो बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है, क्या बताया है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि ये जो एज लिमिट की कहानी है, अटेम्प्ट 3 होंगे यहाँ पे रख दो, यानी कि कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं ये बात, और ये मोड जो है वो कंप्यूटर में करा दो, 2 बार में पेपर होना चाहिए, मेंस और एडवांस, और आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। इनके बारे में शिक्षा मंत्री आए और उन्होंने बताया कि भाई इनके बारे में जो भी इनमें से जो भी हमें बेहतर लगेगा, हो सकता है सारे बेहतर लगे या जो एक बेहतर लगे, वो जनवरी में हम डिसीजन ले लेंगे। यानी कि इन्होंने बताया जनवरी में डिसीजन लेंगे हम। हालांकि कुछ बच्चे जो है वो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं, गलत माना जा रहा है इसको, और ये साइड इफेक्ट भी पड़ेगा इसका काफ़ी बच्चों पर, ऐसा मान रहे हैं बच्चे। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपको रेडी तो रहना है, अगर आप कंप्यूटर जान के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इस मोड के लिए भी आपको तैयार रहना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अटैम्प्ट की जो कहानी है, आप ये समझ के तैयारी करें कि भाई आपका जो ये अटैम्प्ट है ये लास्ट अटैम्प्ट है, आप ऐसा समझ के तैयारी करें। यानी कि इतनी मेहनत करनी है यहाँ पे, आपको पता नहीं जिन्होंने बताया, हो सकता है जनवरी में आके क्या अपडेट आ जाए। यानी इन्होंने ये कहा है कि जनवरी में हम इसको अप्लाई कर देंगे, जनवरी में लागू करेंगे इनमें से जो जो हमें बेहतर लगेंगे, पता नहीं कौन सा बेहतर लगेगा इनको और ये क्या करने वाले हैं, और हो सकता है अटैम्प्ट यहाँ पे कि भाई इस बार ये लास्ट करते हैं, वो जो भी कह लें, कुल मिला के अगर आप फाइनल पूरी 100% मेहनत करते हैं तो आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा, नहीं तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये कठिनाई पैदा कर दी जाए। तो आज की यही अपडेट थी कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि जनवरी में इनमें से जो हम चाहेंगे, जो हमें बेहतर लगेगा, वो जनवरी में हम अप्लाई करेंगे। यानी संभावना है जो जो भी चेंज होना होगा वो इस साल चेंज हो जाएगा, ऐसी संभावना है, इन्होंने आगे क्लियर कर दी है ये बात। अब देखते हैं क्या होता है, आप अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए।